तो नमस्कार दोस्तों, एनसीबीटी आईटीआई रिजल्ट डेट के बारे में इस वीडियो में अपडेट बताने वाला हूँ कि आपका परिणाम कल जारी होगा या नहीं होगा। 20 दिसंबर 2019 को क्या आपका परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना है, और आपके फर्स्ट ईयर एंड ऑल सेमेस्टर के यदि अभ्यर्थी है तो इस चैनल को अभी से कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एनसीबीटी आईटीआई के रिजल्ट के बारे में इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा थ्रू एंड यूजफुल। तो इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि एनसीबीटी आईटीआई का परिणाम कल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज आपको एंड तक जरूर देखना है, और रोल नंबर इस वीडियो आपको चैनल इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर डालना है। तो बढ़ते हैं अपडेट की ओर। अभी मैं आपको इस प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि क्या चल रहा है, अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट है, करंट जो वेबसाइट पर अपडेट है वो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना है, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सिंपली से अभी आप अपनी जो है टाइप कर लीजिए, यहाँ पर आपको सिंपली से क्या टाइप करना है, एनसीबीटी आईटीआई टाइप करना है, ठीक है। NCVT MIS आप टाइप कर लीजिए, आपको सर्च पे क्लिक करना है ना है। तो आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी वो इसकी ऑफिशियली NCVT ITI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ पर आपको सिंपली से क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए, और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस अनेवेलेबल, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लाइव में प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको कोई ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सर्विस अनेवेलेबल बता रही है, तो क्या कारण हो सकता है इस सर्विस अनेवेलेबल का, ठीक है ना। तो HTTP एरर 503, लेकिन मैं आपको बता दूँ शाम तक, ठीक है ना, आज 3 बजे तक तो कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आज 6 बजे के बाद में जो ये जो एरर में यानी सर्विस अनेवेलेबल में चली गई है, तो क्या पता रिजल्ट जारी हो भी जाए, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं था, और रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं आता है, तो कल भी रिजल्ट है वो कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। मैं फिक्स नहीं कहूँगा, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। और ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना है। मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपको संपूर्ण जरूर देखना है। अगर आपके भी किसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है, आप जाइए 800-400-400 के व्हाट्सअप नंबर पर, और उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके क्रॉप करके आपको भेज देना है, और तुरंत ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वीडियो सोल्यूशन के साथ, और आप डाउटनेट के ऐप के माध्यम से भी क्लास 6 से लेकर 12th JEE Mains की तैयारी आसान से कर सकते हैं। लिंक